हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन से मैंने कुछ गार्डनिंग का वीडियो नहीं बनाया था, वीडियो ही नहीं बनाया एक्चुअली, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी और कुछ कुछ अलग काम था। तो अभी देखिए, मैंने बहुत दिन बाद मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स बनाया है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं कुछ कोकोनट शेल से ऐसे पॉट्स बनाऊँ, ऐसे स्टैकेबल। तो यहाँ पे चार पॉट है, यहाँ पे देखिए मैंने मैक्रेमे थ्रेड से बनाया है। ये देखिए, ये मैक्रेमे थ्रेड मैंने लिया है अमेज़ॉन से, ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने बनाया है, और एक मैंने बनाया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दो मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाया है, ऐसे चार है, जिसमें एक में चार ये कोकोनट शेल प्लांटर है। इसको कलर कर दिया, और ये देखिए इसमें सकुलेंट लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना कोकोनट शेल प्लांटर में ना मिट्टी भी कम होते हैं ना, इसलिए अगर कुछ सकुलेंट्स लगाएंगे तब क्या होगा, पानी का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना ध्यान पानी का नहीं रखने से भी हो जाएगा, इसलिए मैंने सकुलेंट को चूज़ किया। तो यहाँ पे देखिए, ये एचिवेरिया, ये एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता इसका, ये शायद एचिवेरिया ही होगा। तो ये एचिवेरिया लगाया, इसमें लगाया है मैंने एक सकुलेंट, फ्लावरिंग सकुलेंट, इसमें फ्लावर होता आता है। और इसमें भी ये देखिए सीडम है, और ऊपर इसमें है क्रिसमस कैक्टस, ये अभी ब्लूमिंग पर आने वाला है दिसंबर में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने लगाया डेविल्स बैकबोन, ये देखेंगे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लगाया है क्यूबन ओरिगेनो, ये देखिए इसमें बहुत सुंदर खुशबू आते हैं। और इसमें लगाया है एक बेगोनिया, और यहाँ पर भी एक बेगोनिया लगाया है। इस बेगोनिया को थोड़ा पानी चाहिए, तो इसको इसमें मुझे पानी का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये नीचे है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे बाद में चेंज भी कर सकते हैं प्लांट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब है, कुछ ये सब सकुलेंट, और ये है फिलोडेंड्रॉन ब्रसील, ये सब है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अभी देखिए, अभी 11 बज रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा धूप है, तो ये भी मेरा एक कोकोनट शेल प्लांटर है। और इसमें है मदर ऑफ थाउजेंड्स, इसमें देखिए ये भी एक मदर ऑफ थाउजेंड है। कोकोनट शेल प्लांटर में ना वो सकुलेंट लगाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सकुलेंट मतलब इसमें पानी का ध्यान थोड़ा कम रखने से भी हो जाता है, क्योंकि छोटा पौधा है तो पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो ये देखिए, ये छोटा सा सीड्स मैंने डाला था इसमें, कोक्सकोम का ड्वार्फ वैरायटी का है ये, और इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। और भी ये सब देखिए, मेरा हैंगिंग प्लांटर्स, ये सब देखिए अच्छा से ट्रिम कर दिया है। और इसका जो है ना, ये रस्सी भी मैं सोच रही हूँ कि मैक्रेमे थ्रेड से चेंज कर दूँगी, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये भी सोच रही हूँ कि बारिश ना, यहाँ पे बारिश ज़्यादा आते हैं, तो बारिश के वजह से ये थ्रेड्स ख़राब भी हो सकते हैं, तो सोच रही हूँ, मैंने किया नहीं है अभी तक। मैक्रेमे थ्रेड और भी है मेरे पास, तो देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो लगाया था एन्जॉय पोथोस, इसमें नया ये आ गया है लीफ, बहुत सुंदर से नया लीफ आ गया है। और इसमें देखिए, मैंने जो हंटिंग किया था दो कैलेडियम का वैरायटी, इसमें ये बल्ब ही था, तो इसमें ये नया एक देखिए नया शूट लीफ निकल के आ रहा है। और ये देखिए, इसमें भी ये भी एक अलग वैरायटी का कैलेडियम है जो मैंने हंटिंग किया था, आप लोगों को पता ही है, ये भी अलग है, ये मेरा पहले का ही है। ये देखिए, इसमें भी ये नया लीफ है, और एक नया लीफ, और बहुत सारे
नया नया लीफ निकलने वाला है। तो ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आया ये कैलेडियम। और इसमें देखिए स्क्यूप्रिया पिसिफोलिया है शायद इसका नाम। तो इसमें भी फ्लावर्स छोटे छोटे, यू देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं। और आज मैं आपको फिर से एक दिखाती हूँ एक चीज़। मैंने और मैक्रेमे थ्रेड से और दो हैंगिंग प्लांटर बनाया है, तो चलिए मैं उसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये दो फिर से दो हैंगिंग प्लांटर मैंने बनाया है। ये दो प्लांटर मेरे पास पहले से ही था, तो इसमें मैंने मैक्रेमे थ्रेड से ऐसे लगा दिया है। इसमें लकी बैम्बो है। और कैसा लगा बताइएगा। ये देखिए, तो मेरे जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं, मैंने जो नया नया हैंगिंग प्लांटर बनाया है, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो, बहुत दिन से मैंने आप लोगों को ये बोला नहीं था कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा मेरे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। तो आज के लिए चलते हैं, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।